उत्तर प्रदेश में चुनावी जनसभाओं का दौर अपने शबाब पर है। सभी राजनीतिक दल अपने वादे और इरादे लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में लखनऊ में निषाद समाज और बीजेपी की सरकार बनाओ अधिकार पाओ पहली संयुक्त रैली को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि बीजेपी और निषाद पार्टी का गठबंधन 2022 के चुनावों में 300 सीटों का आंकड़ा पार करेगा। जो सभा देख रहा हूं, दुनिया भर का मीडिया यहां पर है, वो सभी भी देख ले, ये प्रदेश भर से जो निषाद उमड़ कर आए हैं, वो बताता है कि 2022 में 300 पार से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनने जा रही है। अमित शाह ने इस मौके पर पिछड़ों के लिए मोदी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को गिनवाया, तो साथ ही मंदिर कार्ड खेलना भी नहीं भूले। एक और, अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बनने जा रहा है और वर्षों से दुनिया भर के आस्था के प्रतीक काशी विश्वनाथ को अपनी भव्यता वापस दिलाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य सरकार द्वारा निषाद समाज के लिए किए गए कार्यों को गिनाया। दुनिया का सबसे बड़ा गठबंधन बुआ और बबुआ का गठबंधन भी बन गया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी के गठबंधन ने इस महागठबंधन को पूरी तरह ध्वस्त करके उत्तर प्रदेश में पुनः माननीय श्री अमित शाह जी की रणनीति के तहत भारी बहुमत प्राप्त किया था। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से लेकर के अब तक जो कहा सो करके दिखा दिया। वहीं बीजेपी को चुनौती दे रही समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस सरकार ने अपने 5 साल के कार्यकाल में दिक्कत, किल्लत और जिल्लत के सिवा कुछ नहीं दिया। ऑक्सीजन की कमी से किसी की भी मौत नहीं होने के यूपी सरकार के दावे पर अखिलेश ने कहा कि इससे बड़ा झूठ कोई और हो ही नहीं सकता। दरअसल यूपी विधानसभा परिषद में कांग्रेस एमएलसी के सवाल पर लिखित जवाब देते हुए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने बताया कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत होने की सूचना नहीं मिली। अखिलेश ने सरकार के इसी दावे पर पलटवार किया। उत्तर प्रदेश की सरकार डबल इंजन की सरकार दिल्ली की नकल कर रही है। इससे पहले भी दिल्ली की सरकार ने यही कहा कि बिना ऑक्सीजन के किसी की मौत नहीं हुई है, और वही रिपीट आज उत्तर प्रदेश में हो रहा है, जहां ये कहा जा रहा है और सदन में ये बात कही गई है कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की जान नहीं गई। इससे बड़ा झूठ, इससे बड़ा जनता को कोई धोखा नहीं दे सकता लोकतंत्र में, जो भारतीय जनता पार्टी दे रही है। ये उत्तर प्रदेश की जनता ने और देश की जनता ने देखा है कि किस तरीके लोग दवाई के लिए भाग रहे थे, बिस्तर के लिए अस्पताल में लाइन लगाए हुए थे, और ऑक्सीजन को लेकर के कितना हाहाकार मचा था। भारतीय जनता पार्टी लोगों को ऑक्सीजन नहीं दे पाई, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पे जान चली गई लोगों की। यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी हाई कमान की गंभीरता का इस बात से भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि शुक्रवार की सुबह पीएम मोदी ने यूपी के करीब 10 सांसदों को नाश्ते पर बुलाया और इस दौरान उन्हें कई मंत्र दिए। सांसदों से मुलाकात में पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें पार्टी और समाज के वरिष्ठ नेताओं से बात करनी चाहिए और उनके अनुभवों से सीखना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने सांसदों से खेलों और वेलनेस कार्यक्रमों से भी जुड़ने की अपील की। पीएम मोदी ने कहा कि युवा खिलाड़ियों को जोड़ने के लिए यह जरूरी है कि खेलों के आयोजन किए जाएं। इसके अलावा सभी सांसदों को उन्होंने आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाने के लिए कुछ अलग तरीकों को लेकर सुझाव भी मांगे। इस मीटिंग में पूर्वी यूपी के ज्यादा सांसद थे। दरअसल बीजेपी पूर्वी यूपी पर खासा जोर दे रही है। बीते 8 सप्ताह में पीएम 6 बार पूर्वी यूपी का दौरा कर चुके हैं। यही नहीं, 18 दिसंबर से अगला राउंड शुरू हो रहा है और 10 दिनों में वो बार बार उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।